बॉलीवुड की हर खबर के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन और जुड़े रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू व्हाट्सअप बॉलीवुड। नेहा कक्कर और हिमांश कोहली एक समय रिलेशनशिप में थे। दोनों सोशल मीडिया पर अपने प्यार को एक्सेप्ट कर चुके थे। सब सही चल रहा था, तभी एक दिन नेहा कक्कर ने सोशल मीडिया पर अपने ब्रेकअप का खुलासा किया। इसके अलावा नेहा ने हिमांश पर कई सारे आरोप भी लगाए। हालांकि नेहा के इन सभी एलिगेशंस पर हिमांश ने कभी कुछ नहीं कहा, ना ही उन्होंने अपने ब्रेकअप पर कभी खुलकर बात की। लेकिन अब हिमांश ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने नेहा कक्कर के साथ अपने ब्रेकअप पर खुलकर बात की है और साथ ही साथ ये भी बताया है कि वो अब इस टॉपिक पर बात क्यों नहीं करते। हिमांश ने बॉलीवुड बबल को दिए एक इंटरव्यू में कहा, वो मेरा ब्रेकअप था, क्यों मैं उस बारे में पूरे वर्ल्ड को बताऊं? क्यों मैं सभी को बताऊं कि मेरे घर में क्या हुआ था? क्यों इससे बाकी को फर्क पड़ता है? ब्रेकअप के बाद हिमांश को लेकर काफी नेगेटिव बोला गया, जिस पर हिमांश ने कहा, ये सब साल 2018 से हो रहा था। मैं अब नेहा को भी इसके लिए ब्लेम नहीं करता, वो मूव ऑन कर गई हैं, खुश हैं और मैं उनके लिए खुश हूँ। मैं अपने लिए खुश हूँ, मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ और ज्यादा लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी 2018 में ही अटके हैं, जबकि हम 2021 में हैं। आप उसे लेकर कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों को लगता है कि मैंने किसी के साथ गलत किया है, लेकिन मुझे पता है मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। हिमांश ने आगे कहा, अगर मैंने कुछ गलत किया होता तो कभी चैन की नींद नहीं सो सकता। तो ये जरूरी नहीं कि मैं पब्लिक में जाकर अपनी बात रखूं क्या सही है और क्या गलत। हिमांश ने आगे पास्ट को लेकर कहा, उन्होंने अपनी तरफ से कुछ किया, वो गुस्सा थी और उन्होंने कुछ पोस्ट किया, मैं गुस्सा था लेकिन मैंने पोस्ट नहीं किया। लेकिन अब कौन ज्यादा टॉक्सिक है? टॉक्सिक वो लोग हैं जो आप पर निशाना साधते हैं। मैं कभी किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कभी कुछ नहीं बोला। मैं उनको लेकर कुछ भी गलत नहीं कहना चाहता था। वैसे नेहा अब रोहन प्रीत के साथ अपनी मैरिड लाइफ काफी एंजॉय कर रही हैं। वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार करते हैं। इतना ही नहीं, दोनों सोशल मीडिया या टीवी पर भी एक दूसरे की तारीफ ही करते रहते हैं। नेहा ने अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हुए एक बार कहा था, हम दोनों शूट के दौरान मिले और रोहन प्रीत ने मुझसे मेरी स्नैपचैट आईडी पूछी और फिर हमारी वहाँ बातचीत होने लगी। इसके बाद रोहन प्रीत ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैंने कहा, देखो अब मैं रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, मुझे अब सीधा शादी करनी है। लेकिन रोहन प्रीत ने उस समय कहा कि अभी मेरी उम्र कम है तो मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर लूं। नेहा ने बताया था कि इसके बाद इन दोनों के बीच बातचीत बंद हो गई थी, लेकिन फिर एक दिन रोहन प्रीत ने बियर पीने के बाद मुझे कॉल किया और कहा कि वो अपनी पूरी जिंदगी मेरे साथ बिताना चाहते हैं। मुझे लगा अभी रोहन प्रीत ड्रिंक करके बोल रहे हैं, अगले दिन सब भूल जाएंगे। लेकिन वो अगले दिन आए और कहा कि रात में हमारी जो बात हुई थी मैं अभी भी वही कहना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने रोहन प्रीत से कहा कि आपको मेरी मम्मी से बात करनी होगी। आपको बता दे, बॉलीवुड और इंडस्ट्री में कई जोड़ियाँ बनती है और बिखर जाती है। इसी तरह एक जोड़ी बनी थी नेहा कक्कर और हिमांश कोहली की, जो अब बिखर गई है। हालांकि नेहा कक्कर ने मूव ऑन कर लिया है और हिमांश कोहली ने अपने करियर में फोकस करना सही समझा है। काफी समय बाद हिमांश ने अपने ब्रेकअप के बारे में बात की है। उनके इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए व्हाट्सअप बॉलीवुड।